বুধবার দেশের পনেরোতম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন এটা এখন উন্নয়ন আধুনিকতা আত্মনির্ভরতা এবং স্থায়িত্বের সমর্থক হয়ে উঠেছে রাজস্থানের পর্যটনকে বিপুলভাবে সহায়তা করবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আমি সৌভাগ্যবান গত দু মাসে ষষ্ঠ বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করতে দেখানে হিসেবে সৌভাগ্য মিল হ্যাঁ साथियों हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था लेकिन रेलवे के आधुनिकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का जांचा दिया गया देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था रेलवे की सुरक्षा रेलवे की स्वच्छता रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा तो रेलवे ने भी चेन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी তারপরেই মোদী আক্রমণ করেন বিরোধীদের তিনি বলেন দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল স্বার্থপর এবং নিম্ন রুচির রাজনীতি বরাবর রেলের আধুনিকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট বিরাট রেলের উন্নয়নের পথে যেমন বাধা সৃষ্টি করেছে তেমনি লোক নিয়োগের দুর্নীতিকে ডেকে এনেছে এরপরেই খানিকটা হাসিয়ে ছলে গেহলেটকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে মোদী বলেন গেহলেট জি আপনার তো দুহাতেই লাড্ডু রেলমন্ত্রী রাজস্থানের মানুষ আবার রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানও এই রাজ্যেরই আপনার জোড়া সুবিধা হয়ে গেল और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं अभिनंदन भी करता हूं और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এবং আজমের মধ্যে যাতায়াত করবে সময় লাগবে পাঁচ ঘন্টা পনেরো মিনিট তেরো এপ্রিল থেকে বাণিজ্যিকভাবে তার যাত্রা শুরু হবে ট্রেনটি থামবে জয়পুর আলওয়ার এবং গুরুগ্রামে রিপোর্ট আর ই নিউজ